महोबा के कुलपहाड़ में भी पुलवामा शहीदों की याद में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा किशोर गोस्वामी डिग्री कॉलेज के पास राठ रोड से प्रारंभ होकर मेन बाजार होते हुए पूरे कस्बे में निकाली गई। इस मौके पर चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत, कुलपहाड़ चेयरमैन प्रतिनिधि अमित प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर कौशल सोनी, कुलपहाड़ सीओ, कुलपहाड़ इंस्पेक्टर, पनवाड़ इंस्पेक्टर, जैतपुर चौकी इंचार्ज सहित भारी पुलिस बल उपस्थित रहा। महोबा से केकेडी न्यूज संवाददाता सूरज भान की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में पिछले साल 42 जवान शहीद हो गए थे, जिनकी याद में कई जगह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। साथ ही इंदौर में भी शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई, जहां हिंदू संगठनों ने प्रमुख मार्गों से होते हुए मशाल रैली निकाली। वहीं ड्रीमलैंड चौराहा स्थित नेहरू प्रतिमा के सामने युवक कांग्रेस के नेतृत्व में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। 2019 के दिन देश की आत्मा को झकझोर देने वाली जो आतंकवादी घटना पुलवामा जम्मू कश्मीर में हुई थी, जिसमें हमारी भारत माँ के 42 वीर सपूतों ने शहादत दी, उस कायरपूर्ण आतंकवादी घटना में हमारे 42 वीर सपूत शहीद हुए थे, उनकी आज द्वितीय पुण्यतिथि पर युवक कांग्रेस, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार हम सभी युवा साथी, वरिष्ठ कांग्रेस एवं कांग्रेस के सभी संगठन एकत्रित होकर उन्हें मोमबत्ती जलाकर प्रतीक रूप में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हम उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। युवक कांग्रेस की तरफ से क्या आम जनता के लिए कोई मुद्दा उठाएंगे? हाँ, आने वाले समय पे, अभी वैसे ये बात करने के लिए उचित समय नहीं है, पर उसकी जो भी सूचना होगी वो आपको तय समय पर दी जाएगी। आपका नाम? राजवीर सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष युवक कांग्रेस इंदौर। युवक कांग्रेस द्वारा पुलवामा जो हादसा हुआ था, उसमें हमारे जो देश के वीर जवान शहीद हुए थे, उस में जो है कैंडल जला करके उनको हम सब लोगों द्वारा, यूथ कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेस और सभी साथियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। ये हमारे यूथ कांग्रेस के माध्यम से, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के द्वारा हमें यहाँ यूथ कांग्रेस के को निर्देशित किया गया था कि हर विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित हो। उसी कड़ी में हमारे भाई राजवीर सिंह चौहान, विक्रम सिंह जी सिसोदिया, जो कि जिला युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, भाई राजवीर और विक्रम सिंह सिसोदिया जो कि विधानसभा में उपाध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित था श्रद्धांजलि का। विजेंद्र सिंह चौहान, इंदौर से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। साथ ही उन्नाव के आदर्श नगर पंचायत हैदराबाद में मां कालिका देवी मंदिर के प्रांगण में पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को याद किया गया और उन जवानों को शत-शत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही आदर्श नगर पंचायत के सम्मानित लोगों के द्वारा पूरे नगर में पैदल कैंडल मार्च किया गया, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उन्नाव के राजकिशोर वर्मा, हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक प्रभारी रविंद्र सिंह, हर्ष गुप्ता, गोविंद मौर्य सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।